हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो वैसे कि आप सब जानते ही, अभी के हिसाब से रेसल 36 को होने में लगभग 2 हफ्ते बचे, क्योंकि ये होने वाला 4th एंड 5th अप्रैल को, और इस वीक का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है रेसल मेनिया से पहले का सेकंड लास्ट रॉ। और कह सकते हैं इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें काफी सारी बड़ी थिंग देखने को मिल सकती है। और आप सबको बता दूं, WWE ने कई सारी थिंग तो अभी से ही ऑफिशियल कर दी है नेक्स्ट रॉ के लिए। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। सबसे पहले चीज जिसे WWE ने कंफर्म कर दी है वो है रैंडी ऑर्टन हमें एज के चैलेंज का जवाब देते हुए दिखेंगे, जो कि उन्होंने लास्ट वीक के रॉ के स्टार्टिंग में दिया था रैंडी ऑर्टन को एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के लिए। और ज्यादा चांसेस यही है कि इस वीक के रॉ में वो हमें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे एंड रैंडी ऑर्टन एंड एज का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ऑफिशियल हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में, तो नेक्स्ट थिंग जुड़ी है मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस हमें लास्ट वीक के रॉ में देखने को नहीं मिले थे और इस वीक के रॉ में अच्छे खासे चांसेस है कि वो हमें देखने को मिलेंगे। बट लास्ट वीक के रॉ में उनसे रिलेटेड एक थिंग पता चलते हुए दिखी और वो थी उनकी रेसलमेनिया 36 के मैच। तो उनका एंड केविन ओवेंस का मैच ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया 36 के लिए। और इस वीक के रॉ में हमें इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ माइक में वॉर या फिर क्या पता इन दोनों के बीच हमें ब्रॉल भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में, तो वो जुड़ी है डेड मैन अंडरटेकर एंड एजे स्टाइल्स से। तो जैसा कि लास्ट वीक इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था, जहां पर एजे स्टाइल्स तो सामने नहीं आए बट लुक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन आए, जिन्हें अंडरटेकर ने अच्छी तरह से जवाब दे दिया आखिरकार वो एजे स्टाइल्स के साथ क्या कुछ कर सकते हैं रेसलमेनिया 36 में। और हम सबने अंडरटेकर का एक थोड़ा अलग रूप देखा था, यानी कि उनका डेड मैन वाला कैरेक्टर नहीं था और अमेरिकन बैडएस वाला भी कैरेक्टर हल्का फुल्का था, बट आप पूरी तरह से नहीं कह सकते। और हम सब देख ही रहे एजे स्टाइल्स अंडरटेकर की वाइफ को भी इंक्लूड करे, तो हो सकता है हमें रेसलमेनिया 36 में अंडरटेकर का एक डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिले, यानी कि वो हमें डेड मैन के कैरेक्टर में मैच नहीं लड़ते हुए दिख सकते एजे स्टाइल्स के साथ। वहीं बात की जाए कि इस वीक के रॉ में इन दोनों के बीच क्या कुछ देखने को मिल सकता है, तो अब अगर अंडरटेकर इस वीक के रॉ में आते हैं, ज्यादा चांसेस यही है कि वहां पर हमें अंडरटेकर नहीं बल्कि एजे स्टाइल्स एंड उनकी टीम भारी पड़ते हुए दिख सकती है उन पर, क्योंकि लास्ट 3 बार से हमें अंडरटेकर ही एजे स्टाइल्स एंड उनकी टीम पर अटैक करते हुए दिख रहे हैं। और WWE की एजे स्टाइल्स को भी थोड़ा कमजोर नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए इस वीक के रॉ या फिर नेक्स्ट वीक के रॉ में जब भी हमें अंडरटेकर देखने को मिलते हैं, देन वहां पर एजे स्टाइल्स के साथ लुक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन मिलकर अटैक कर सकते हैं अंडरटेकर पर। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप से। तो लास्ट वीक के रॉ में हम सबने देखा ही था कि रे मिस्टीरियो ने एक सिंगल्स मैच में हरा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन अंड्राडे को। अब जाहिर सी बात है इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रे मिस्टीरियो को जरूर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। अब वो अकेले होने वाले इस टाइटल के लिए रेसलमेनिया में या फिर उनके साथ कोई और ओपोनेंट होगा जैसे कि हम्बर्टो एंजेल गार्जा या फिर कोई और, वो तो हमें इस रॉ में पता चलते हुए दिख सकता है या फिर नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में से। लेट्स सी आखिरकार WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ रेसलमेनिया 36 में क्या कुछ करते हुए दिखती है। इसके अलावा हम सब ने एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से साइना बेजलर एंड बेकी लिंच के बीच कुछ भी बड़ा नहीं देखने को मिला। उससे पहले इनफैक्ट हमें काफी खतरनाक इन दोनों के बीच ब्रॉल देखने को मिल चुका है, बट उसके बाद तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बैकस्टेज से ही उन्हें देखते या फिर उनके बारे में कुछ कहते रहते, लेकिन इन दोनों के बीच अभी तक हमें कोई भी खतरनाक ब्रॉल देखने को नहीं मिली है जब से इन दोनों का मैच ऑफिशियल हुआ है। तो ज्यादा चांसेस यही है कि इस रॉ में हमें इन दोनों के बीच एक जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिल सकती है। एंड बात की जाए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकइंटायर से। तो आप सबको बता दूं WWE ने इन दोनों को इस वीक के रॉ के लिए ऑफिशियल कर दिया। और आप सब जानते हैं लास्ट टाइम ये दोनों जब हमें एक साथ देखने को मिले थे, देन ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 क्लेम और किक मारी थी। अब उसके बाद ये बात तो साफ है कि ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा गुस्से में होंगे एंड वो ड्रू मैकइंटायर से अपना बदला लेने के लिए तड़प रहे होंगे। और हो सकता है इस वीक के रॉ में हमें ब्रॉक लेसनर उसी तरह का अटैक करते हुए दिखे ड्रू मैकइंटायर पर, जिस तरह का उन्होंने सेथ रॉलिंस पर किया था समर स्लैम के टाइम में। इसलिए यही होप कर सकते हैं कि इस रॉ में हमें इन दोनों के बीच एक काफी जबरदस्त ब्रॉल देखने को मिलने वाली है, जिस ब्रॉल में ब्रॉक लेसनर का हमें रिवेंज देखने को मिल सकता है ड्रू मैकइंटायर से। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इतने सारी चीजों में से इस रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।